एक बोर्ड मेरे पास एचपी का है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये लोड नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं डीसी जैक लगाता हूँ, लाइट यहाँ पर ग्लो हो रही है, और इसको जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो कुछ पता तो नहीं चलता है कि ऑन हो रहा है कि नहीं। बट हमें यहाँ पर एक सिचुएशन मिलती है कि 3.3 एंड 5 वोल्ट मिल जाती है। अगर मैं सिर्फ डीसी जैक लगाता हूँ तो चूंकि ये बोर्ड सस्पेंड होता है, इसके अंदर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं दिखेगी, जैसे यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो लोड तो नहीं उठाया, बट हमें ये पता चल गया कि ये बोर्ड ऑन हुआ है। तो बट लोड क्यों नहीं उठा रहा है? तो इसके लिए आपको सिंपली एक पॉइंट चेक करना होता है, और वो मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने डीएसओ पर। तो आइए देखिए ज़रा, इसको मैंने एक्सटेंड कर रखा है तो इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। अभी सिंपली आपको डीएसओ लगाना है, एक्सटेंड करना है और क्रिस्टल चेक करना है। तो ये है हमारा क्रिस्टल का एरिया, इनपुट आउटपुट कुछ भी चेक कर लीजिए। तो पावर डालते ही हमें यहाँ पर ऑटो दाबना है और ये यहाँ पर 32 किलोहर्ट्स आ जाना चाहिए, बट यहाँ पर आ नहीं रहा है। मैं अगर यहाँ पर से अपने डीएसओ पर से दिखाऊँ भी आपको काउंटर फ्रीक्वेंसी, तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये नॉइज़ है सिर्फ। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपली चेंज करेंगे ये जो 32 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर लगा हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग चेंज करने वाले हैं। बहुत ही आसान केस है, जबकि इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह चेंज कर रखा है बंदे ने, उसकी भी दिक्कत आती है बट हमेशा नहीं। लगा दिया, अब डालेंगे पावर। सिंपली पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा 32 किलो हर्ट्स बना है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि समटाइम हो सकता है कि पीसीएच की भी दिक्कत होती है। चूँकि इसके अंदर ग्लू वगैरह लगा हुआ था, लॉक था, किसी ने चेंज नहीं किया है। अब हम ऑटो एक बार दबा देते हैं, तो अभी भी यहाँ ठीक तो नहीं लग रहा है। हाँ, अब सही बना। ठीक है, ये हमारा 32 किलोहर्ट्स, फिर से ऑटो दबा देते हैं, बन गया है 32 किलोहर्ट्स। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं, लोड देख के ही समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल केस था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो जनरली लोग भारी बना देते हैं, इतना भारी होता नहीं है लैपटॉप रिपेयरिंग। तो अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना है, इसी तरह से आसान केस होते हैं। इसको जनरली लोग देखिए डैमेज कर देते हैं समटाइम, जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर हमारा चेंज किया हुआ है, ये पहले किसी ने चेंज किया है। तो ये एक फॉर्म होता है ग्लिच का, जब ग्लिच आती है तब इसको चेंज किया जाता है, अदरवाइज चेंज नहीं करना चाहिए। रैम आईसी वगैरह भी चेंज की हुई है, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, करके देखना भी चाहिए, बट ये हीट एंड ट्राई कहलाता है। अगर आपको परफेक्ट रिपेयरिंग सीखना है तो हमारा नया ऑफलाइन का बैच 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 12% अभी डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है।
तो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले केस स्टडी में नए केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।